HTML CSS में हम लोग लेआउट डिज़ाइन फ्लिक्स बॉक्स से सीख लिए और ग्रिड बॉक्स से भी सीख लिए, लेकिन फ्लिक्स बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करना है और ग्रिड बॉक्स को कम। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करना, बट ग्रिड बॉक्स को अभी कम करो, फ्लिक्स बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करो, और जो कि लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे। अब ये बात है कि हम लोग किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से माइनर स्टेप्स लेंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी वेबसाइट डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग उसका ढांचा कैसा होगा। तो पहले हम लोग MS Paint पे एक तो अच्छा सा ढांचा बना लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, उसके बाद ये, और उसके नीचे हम लोग एक बैनर डालते हैं, ये वाला बैनर ऐसे बैनर रहेगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक पट्टी रहेगी पतली सी, जिसमें कैटेगरी सब रहेगा, और उसके बगल में कुछ बॉक्सेस होंगे जो प्रोडक्ट दिखाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट दिखाता है। तो 3 या 4 बॉक्स रखा जाएगा साइज़ के अनुसार, और जो भी रहेगा वो ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। देखो इस तरह से एक दूसरे के नीचे रहेंगे। चलो तो ये ऑलमोस्ट डिज़ाइन होगा, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ई शॉप, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर एक छोटा सा सर्चिंग पट्टी रखेंगे, जिससे हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा लिंक वगैरह डाल देंगे इस तरह से। इसके नीचे यहाँ पे एक अच्छा सा बैनर होगा, जिसमें हम लोग टेक्स्ट डालेंगे, वेलकम इन ई शॉप, और उसका एक छोटा सा प्रचार के लिए एक पैराग्राफ नीचे में, ठीक है। इसके बाद इस जगह पे क्या करेंगे, तो इस जगह पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे कैटेगरी सबका, जैसे फैशन और कुकवेयर या फिर फर्नीचर या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्ट वॉच, इस तरीके का। और यहाँ सामने क्या होगा, तो प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोटोटाइप हम डिज़ाइन कर लिया कि ऐसा आज हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस प्रोजेक्ट को एब्जॉर्ब करोगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा डिव के पहले, ये वाला एक डिव है जिसको हम लोग हेडर या नेबर कह सकते हैं, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक है लोगो, दूसरा है सर्च पट्टी, और तीसरा है यहाँ पर कुछ लिंक, ठीक है। नीचे एक पट्टी है जिसको बोलेंगे हम लोग बैनर, और यहाँ पर हो गया दो, एक पेरेंट में 2 चाइल्ड, एक को रखेंगे हम लोग छोटा पट्टी और एक को रखेंगे हम लोग चौड़ा, यानी कह सकते हो 75 और 25, या कह सकते हो 80 20, ठीक है। और इसके अंदर में फिर एक ग्रिड जैसा काम है, ग्रिड है जो हम लोग पढ़ा है, ग्रिड जैसा काम है कि यहाँ पे टोटल 3 कॉलम है और मल्टीपल रोज हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम ई शॉप रखेंगे। ई शॉप नाम का फोल्डर को VS Code में ओपन करेंगे, और VS Code सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं, इसलिए इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। अब 2 चीज़ें चाहिए, एक है आपका HTML फाइल और दूसरा है आपका CSS फाइल। तो CSS का नाम design.css। HTML के फाइल में हम लोग बेसिक HTML कोड इस तरह से डाल देंगे, और इसके बाद ई शॉप नाम का वो डालेंगे, ठीक है। अब जैसे ई शॉप नाम का ये टाइटल डालेंगे और ये design.css डालेंगे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए पहले ढांचा पहले css कनेक्ट कर लेते हैं। तो लिंक टैग से css कनेक्ट होता है, नाम design.css, रिलेशनशिप स्टाइल सीट, और हर्फ में डाल देंगे फाइल का नाम। आते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम, यह कमेंट लिख सकते हैं हेडर वर्क। तो हेडर वर्क स्टार्ट, ठीक है, कमेंट लाइन में, और यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं, इसका क्लास होगा हेडर, और ये डब्बा बना दिया। इसके बाद हेडर वर्क जहाँ ख़त्म करेंगे लिखेंगे हेडर वर्क इंड। ये कमेंट में लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आउटपुट को। इसके अंदर में 3 चीज़ें हैं, एक है लोगो, जिसमें लोगो डालना है,
जिसमें हम अभी फ़िलहाल के लिए H2 का इस्तेमाल करके और यहाँ पर लिख सकते हैं eShop.com, ठीक है। और इसके बाद लोगों के बाद वो सर्च का डब्बा जो कि हम बनाएंगे सर्च नाम के बॉक्स में, इनपुट टाइप सर्च और सबमिट बटन, ये इस तरह से इनपुट टाइप फॉर्म में जो बनाते हैं वो डाल दिए। इसके बाद कुछ लिंक्स की बारी है, तो लिंक्स हम लोग बना देते हैं ऐसे करके, और कुछ लिंक होम अबाउट कॉन्टेक्ट कार्ड इस तरह से लिंक्स यानी ए टैग डाल दिया। तो ये बना मेरा हेडर का सेक्शन जिसे हम इम्प्लीमेंटेबल यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसका पहले CSS कर लेते हैं, ये पार्ट जब कम्प्लीट होगा तो फिर आगे फर्दर करेंगे। तो इसको लाइव करने के लिए हम लोग गो लाइव पे क्लिक करते हैं और आउटपुट हम लोग के सामने देखने में HTML तो ऐसा ही लगता है। अब हम लोग इसमें चूज़ करेंगे एक अच्छा सा कलर, जिसके लिए एक वेबसाइट यूज पे जाएंगे, इसका नाम है फ्लैट कलर। फ्लैट कलर वेबसाइट ये वाला खुलेगा, आप इसमें से कोई भी प्लेटलेट ले सकते हैं, जो भी आप चाहिए ले लीजिए। इसमें से जो आपको कलर पसंद आ रहा है वो अपना वेबसाइट का कलर मान लीजिए। हमको ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, जो क्लिक करना है उसका एक कोड कॉपी हो गया। आप जब इसका CSS लिखेंगे तो आप उसका कोड कॉपी कर सकते हैं। मैं पैरेलल कर देता हूँ CSS फाइल को ताकि साथ में रहे, और इधर से ये बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार लगा के और इसके बाद मार्जिन 0, ठीक है। तो मैं आपको आउटपुट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि साथ में आउटपुट भी आपको दिखे। तो मैं यहाँ पर इसको आधा में और ये जो आउटपुट है इसको आधा में डाल देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से देख पाएंगे कि इसका आउटपुट रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। सबसे पहले डॉलर हेडर डॉट हेडर का इस्तेमाल है, और इसमें विथ 100% का मतलब हुआ फ्लिक्स वन, डिस्प्ले फ्लिक्स क्योंकि हमको एक दूसरे के बगल में चाहिए। आप इसको देखो बदलता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको। इसके बाद आप है ना यहाँ पर कर सकते हैं जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, जिसके बाद एक दूसरे के पैरेलल कोना पकड़ लिया, और पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैडिंग ऊपर नीचे से आपको 20 पिक्सल और दाएँ बाएँ से 10% देना चाहिए, देखिए, ठीक है। और इसका एक बैकग्राउंड कलर जो आप कॉपी करके लाए हैं वो बैकग्राउंड कलर, और ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, वही बैकग्राउंड कलर आ गया। इसके बाद आप अपना लोगो के ऊपर काम कर सकते हैं। तो लोगो एक बॉक्स है जो कि आपको एक एरिया प्रदान कर सकता है, आप लिख सकते हैं फ्लिक्स बॉक्स वगैरह जैसे डालना है डालिए, फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है ये सब कर सकते हैं। तो लोगो के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है H2 टैग के ऊपर टारगेट करना है। लोगो के अंदर एक H2 नाम का टैग है, अब उसको करेंगे कलर उसका वाइट, और ये कर मस्त लगेगा दिखने में। अगर हमको पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए एक ही फॉन्ट तो हम चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको अलग से कोई फॉन्ट चाहिए तो भी आप लगा सकते हैं। बट हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली स्टार में लिख रहे हैं, स्टार में यानी सब में सेंस सेरिफ। तो देखिए सेंस सेरिफ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पूरा प्रोजेक्ट सेंस सेरिफ वाला हो गया। इसके बाद है ना हम लोग इसमें आगे जो काम करेंगे उसका नाम है, डब्बे का नाम है सर्च। सर्च डब्बे में भी यही बात है कि हमको एक फ्लिक्स वन रखना है, डिस्प्ले फ्लिक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और पेडिंग अगर आपको लगाना है तो ठीक है, हमको नहीं लगाना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये परफेक्टली सेंटर सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर का जो इनपुट है उसका डब्बा बराबर करना होगा। तो हम कहेंगे सर्च पट्टी के, सर्च के अंदर जो इनपुट टैग है उसका पेडिंग डालो। पेडिंग क्या है, 10 पिक्सल ऊपर नीचे से दाएँ बाएँ से 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, चौड़ा हो गया, आप देख रहे हैं इसको चौड़ा होते हुए। और इसका जो अंदर का फॉन्ट साइज़ है इसको भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ लगाकर। फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, बहुत बढ़िया। इसमें जो आउटलाइन है बॉर्डर 0, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, और आउटलाइन 0, हमको आउटलाइन भी इसमें रहता है थोड़ा सा, उसको 0 कर देते हैं, नहीं चाहिए। और इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो आपको ना टॉप से देना है 10%, इस साइड नहीं देना है तो उसको कर दिया 0, फिर नीचे से आपको नहीं देना कि ये 0, और आखिरी वाला चाहिए 10। तो क्या हुआ, एक कॉर्नर से ये ऐसा मुड़ गया और दूसरे कॉर्नर से नहीं मुड़ा। तो हम लोगों को ये क्यों नहीं मुड़ना है, क्योंकि बटन भी हम डिज़ाइन करने वाले हैं सेम ऐसे ही। तो बटन के लिए क्या करेंगे, डॉलर सर्च के अंदर जो बटन टैग है, बटन का टैग है, बटन टैग है वो यहाँ पर आ गया। अब बटन टैग में भी क्या क्या करना है वो देखिए, पैडिंग लगाना था, फॉन्ट साइज 16 सेम रखना है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट क्योंकि हमको उससे मैच करना था, कलर जो है ना टेक्स्ट का कैसा रहेगा वो डिसाइड करो, बॉर्डर हटा दिया, बॉर्डर रेडियस वही सब पैटर्न उल्टा साइड में जिधर इधर दिए थे, जैसे यहाँ शुरुआत में दिए थे या नहीं दे दें। एक मिनट मैं इसमें से HTML पार्ट को भी बंद कर देता हूँ, ये देखो। तो मैंने बटन टैग के लिए ये सारे काम कर दिए। अब क्या हुआ कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो इस कोने से इधर का और बटन के इस कोने से कर हो गया, तो देखने में लग रहा है कि एक ही बॉक्स है,
देखिए ऐसा नहीं है, ये बटन अलग बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है। अब पैडिंग जो हमने दिया है पाँच वाला, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको पाँच से अब हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इसके साथ भी यही करते हैं, ठीक है। तो पैडिंग जो है ना हम लोग यहाँ पे इरिटेट कर दिए, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आ गया और देखने में काफ़ी सही लग रहा है। तो आप आउटपुट देखिए एक बार, पूरा कंट्रोल देख सकते हैं आप यहाँ पे, बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा नीचे। अब एक चीज़ और देखना है कि हेडर में देखो जस्टिफाई स्पेस बिटवीन है लेकिन अलाइन आइटम सेंटर नहीं है, इसीलिए टेक्स्ट और वो दोनों अलग अलग आ रहा है। अलाइन आइटम सेंटर डाल देते हैं। अब आते हैं लिंक के ऊपर जो हमको बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो परफेक्ट दिख रहा है, ये इसके एकदम बराबर अलाइन में दिख रहा है। अब आते हैं लिंक के ऊपर काम करते हैं। तो लिंक क्या है? डॉट लिंक्स, इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स, तो एक दूसरे के बगल में गैप चाहिए कितना वो डिसाइड करो अलग अलग। और लिंक्स के अंदर कुछ ए टैग है, ए टैग को टारगेट करो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो, इसका क्या मतलब है? अंडरलाइन हट जाएगा। और कलर चेंज करो, तो कलर वाइट। बोल्ड करना है तो थोड़ा सा फॉन्ट वेट लगाओ और यहाँ देखो बोल्ड, परफेक्ट। और इसमें टच करने पर थोड़ा अलग फील आए इसके लिए होवर लगा सकते हो। लिंक्स के ऊपर जब हम ए टैग पे होवर करें तो फिर कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज होना चाहिए, देखो ये हल्का नहीं पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर तुम चूज़ कर सकते हो। हम ये बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्क कलर ले जाते हैं इसी में। तो ये देखो अब क्या हुआ, सिंपल बैकग्राउंड कलर का डार्क वर्जन आया। तो ये थोड़ा थोड़ा सा तुम चेंज कर सकते हो, नहीं तो क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रे लिखो, ग्रे मतलब कोड में लिख दो ट्रिपल ई। मुझे थोड़ा कोड पता है इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो तुमको खोज के लिख लेना। और टच करने पर वो वाइट हो जाए, तो इससे क्या होगा कि नॉर्मली वो ग्रे होगा लेकिन टच करने पर हल्का सा चेंज आएगा, वाइट होगा, थोड़ा सा ब्राइट होगा। इसको थोड़ा सा ब्लैक और कर देते हैं, देखो ऐसे तो ये थोड़ा सोया सोया लग रहा है लेकिन टच करने पे वाइट हो रहा है, ठीक है। तो आप है ना इसको जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बन गया आपका हेडर और परफेक्ट दिख रहा है, देखिए आउटपुट आप देख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा देख के आपको। और इसके बाद जो है अब नीचे इसका बैनर का काम। तो बैनर के लिए आपको इसके HTML पार्ट में जाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे फाइल खोलते हैं, HTML का पार्ट ओपन करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो ये तो हेडर का काम था, अब हम यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं, बैनर वर्क स्टार्ट। ये कमेंट पार्ट डॉट बैनर नाम का एक डब्बा। अब बैनर में क्या, कुछ नहीं, बस कलर का ग्रेडियंट बनाएंगे और डाल देंगे, मज़ा आएगा देख के। यहाँ से कलर चूज़ करते हैं कौन सा कलर का ग्रेडियंट डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग चूज़ करते हैं ये वाइट, ये वाला ग्रे और ये वाला ग्रे, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको, पहले आते हैं CSS पार्ट में और यहाँ नीचे में आते हैं डॉट बैनर लगाते हैं। बैनर का सबसे पहले विथ 100% मतलब फ्लिक्स वन, और हाइट देना पड़ेगा ही फिक्स करना पड़ेगा, तो 500 पिक्सल। आप यहाँ पे आउटपुट देखते रहिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और उसका लिख रहा हूँ यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट या लीनियर ग्रेडियंट, और ये कलर का कोड और ये दूसरा कलर का कोड। तो आप देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड ग्रे आया, बट हमको इससे इसका और इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट। तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा वाला कलर कोड चेंज कर लेते हैं। तो आप आउटपुट देखिए क्या होने वाला, आप नोटिस करें नीचे थोड़ा सा आपको वाइट और ऊपर थोड़ा सा ग्रे आ रहा है। उल्टा करते हैं इसको, उल्टा करने के लिए हमको डिग्री भी डाल सकते हैं, बताई भी थी आपको 90 डिग्री। इधर आ गया देखिए, इधर आ गया वाइट, उधर आ गया ग्रे, 180 140, देखिए इधर से अभी 180 -180 उल्टा करने के लिए, ठीक है 270। देखो ऊपर से चाहिए तो 360, देखो ठीक है। तो ऊपर वाइट है, नीचे हल्का सा आते आते ग्रे है। तो आप इतना डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, हमको जैसे चाहिए हम उसके ऊपर काम करना चाहेंगे। आप मैं एक और बताता हूँ, जैसे पर्पल और पिंक के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, मैं वो RGB में दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कलर हैं, पिंक
और पर्पल को कंबाइन कर सकते हो। तो देखो ये दोनों कलर कंबाइन करके जाते हैं, जैसे ये कम कलर है, इस कलर को यहाँ डाल दिया, और दूसरा जो कलर है वो ये है पर्पल, कॉपी किया यहाँ डाल दिया, दैट्स इट। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए ये ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो आपको कोई भी कलर, हमको इसे मैटर ही नहीं करता आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हैं। अब हम जैसे पर्पल की जगह पे वाइट डाल दिया, तो हम कॉम्बाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो ऐसा पसंद है आप वैसा लगा दीजिए, सब ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है उस पर आ जाते हैं एचटीएमएल पे, और आ जाते हैं यहाँ पे H1 टैग और लिख देते हैं वेलकम इन माई वर्ल्ड eShop.com, और एक पैराग्राफ अब कुछ कुछ इसमें लिख दो, लेट्स स्टार्ट शॉपिंग विथ अस, ठीक है। तो ये जो बेसिकली लिखा है इसका डिज़ाइन भी चाहिए, तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लिक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, एक दूसरे के नीचे चाहिए इसलिए कॉलम बीच में आ गया एकदम। अब इसका H1 और वो दोनों का अलग अलग कलर, तो बैनर के अंदर जो H1 का टैग है उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, ठीक है। तुम 100 पिक्सल को कंट्रोल करो, 80 70 तुम्हारा जैसा मन। इसके बाद जो इसके नीचे पैराग्राफ है उसको भी कंट्रोल करना है, तो बैनर के अंदर जो पी टैग है फॉन्ट साइज जो भी देना दे दो और कलर जो देना दो। हम तो इसमें पिंक पैलेट डालेंगे या पर्पल डालेंगे, ये कॉम्बिनेशन पिंक के साथ काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसको बोल्ड बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड, और फॉन्ट साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जैसे तुम। और यहाँ पे एक बटन दे देते हैं लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन देने के लिए हम यहाँ पैराग्राफ के बस जस्ट नीचे आएंगे और ए टैग में एक तो क्लास लगाएंगे BTN नाम से, और लिखेंगे लेट्स एपेस्ट्रॉफी एस स्टार्ट। अब यहाँ पर BTN, और इसके लिए स्पेशल कोड के पैडिंग हो थोड़ा सा, और उसके बाद साइज़ बढ़ा रहे, बैकग्राउंड चेंज हो जाए, और कलर रहे, बॉर्डर रहे, रेडियस डालें, पॉइंटर जब टच करें तो ऐसा पॉइंटर आए, ट्रांसिशन एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ जाए, अंडरलाइन परफेक्ट, ये देखो अंडरलाइन नहीं आ जाए, नन हो जाए। ऊपर से थोड़ा मार्जिन, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, देखो ठीक है। इसका होवर पे डाल दो कि इसको छूने के बाद पर्पल कलर आए, तो BTN को जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर पर्पल वाला ले, ये देखो बढ़िया, ये हुआ काम ट्रांसलेशन। तो हो गया ये इस पेज का ऊपर का पट्टी, ये इसका बैनर पट्टी। अगर बैनर का हाइट कम करना चाहते हो तो यहाँ से 500 की जगह 400 पे आ सकते हो, ज़रूरत जितना उतना ही डालो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना। अब आते हैं वो जगह जो इस साइड में एक साइड बार है और दूसरी साइड ये है, तो HTML में आते हैं और यहाँ पे कमेंट डालते हैं कि बैनर वर्क ख़त्म हो गया, बैनर वर्क इंड। अब इसके बाद हम लोग नीचे आने के बाद लिखेंगे एक डब्बे का नाम कंटेनर, जो कि पैरेंट की तरह ट्रीट होगा, और दूसरा का पहले का नाम कैटेगरीज, जो कि कैटेगरी डालेंगे, और दूसरे में प्रोडक्ट्स जिसमें प्रोडक्ट डालेंगे, दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पर कंटेनर फ्लिक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले फ्लिक्स फ्लिक्स लगा दिए फ्लिक्स बॉक्स। और अब हम लोग इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज, एक डब्बा है, दूसरा है डब्बा जिसका नाम है प्रोडक्ट्स,
और जो प्रोडक्ट वाला डब्बा है उसको ज़्यादा फ्लेक्स दे देंगे, और जो कंटेनर वाला डब्बा उसको एक दे देंगे। इसका क्या रेशियो हुआ देखो, दोनों को जोड़ दो पहले, 5 हो गया, तो इसका मतलब 100 को 5 मानो तो एक को कितना मानेंगे, 20%, और ये कितना हुआ 80%। ठीक है, अनुपात यानी रेशियो ऐसे काम करता है। अब आप इसमें जो है ना हाइट मेंशन कर सकते हैं, हाइट कितना देना है, अभी फ़िलहाल 500 देते हैं, बाद में हटा देंगे 500, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी पूरा एरिया घेर ले। इसका अलग बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ताकि पता चले कि हाँ कुछ है अलग। देखो आ गया पतला सा, और ये वाला देखो बैकग्राउंड कलर कोई और कलर डाल के दिखाते हैं, देखो आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों काम कर रहा है। तो ये रेड नहीं डालना था हमको, हम ऐसे चेक करने के लिए बता रहे, ग्रे डालना हमको, देखो ठीक है। तो ये जो पट्टी है यहाँ पर ये अलग है, और ये जो पट्टी है यहाँ पर अलग परफॉर्म कर रही है, परफेक्ट। और हम लोग इसको अब डेटा डालेंगे इसके अंदर। तो आ जाते हैं कैटेगरी के पास, और कैटेगरी के अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं ए टैग, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर्स, स्मार्टफोन, ऐसे कुछ कैटेगरी, स्मार्ट फोन, और उसके बाद हो गया टेलीविज़न और बुक्स, फैशन, ठीक है, हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच, इसी तरह के कुछ कुछ डाल दो ताकि कैटेगरी आ जाए। अब इस डिज़ाइन में यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देखो कैटेगरीज, और सॉरी तो बना हुआ ही है कैटेगरीज का, इसी में डिस्प्ले फ्लिक्स, फ्लिक्स बॉक्स, इसके अंदर भी फ्लिक्स बॉक्स, और एक दूसरे के नीचे चाहिए तो क्या लिखेंगे, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, चेक करो एक दूसरे के नीचे आ गया। अब इसके अंदर में गैप चाहिए, तो गैप कैसे फुलफिल करेंगे, गैप 20 दे सकते हो ऐसे, वैसे हम गैप को पेडिंग से प्रिफर्ड करेंगे, पेडिंग से ही गैप आ जाएगा। तो अब लिखेंगे कैटेगरीज के अंदर जो ए टैग है, अब उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, उसका डेकोरेशन हटा दो, कलर वाइट कर दो, पैडिंग दे दो चारों तरफ से 20, डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर दो यानी पूरा एरिया ले लेगा, उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, और ट्रांसिशन कर दो, ट्रांसिशन ताकि जब होवर लगाए तो थोड़ा स्लो से ऐसे चेंज हो, ये सब कुछ। टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो फॉन्ट साइज़ को 16, ठीक है। और हम लोग एक मस्त चीज़ चाहते हैं, वो क्या है, देखो कैटेगरी के अंदर जितना ए टैग है उसका होवर, क्या करना होवर में, तो होवर में कुछ नहीं करना हमको, बस एक तो टच करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना, देखो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसका एक लाइट वर्जन निकाल लेंगे, यानी इसका इस कलर का एक लाइट वर्जन निकाल देते हैं जो इसका बैकग्राउंड बनेगा, ठीक है। अब इसका वाइट जो है ना नहीं रख के इसको डार्क कलर करेंगे, यानी ब्लैक मान लो, ठीक है। और जब हम इसको टच करेंगे तो ये एक्चुअल थीम कलर को यूज़ करेगा, कलर पे बिल्कुल हम नहीं जा रहे हैं, हम तुमसे समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसे बता सकते हो, देखो कितना स्लोली काम कर रहा है और अच्छा लग रहा है देखने। अब क्या है कि 500 हाइट से ज़्यादा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो हम कैटेगरी में 500 लिखे थे कंटेनर में, ये नहीं डालेंगे। तो अब क्या हुआ, जितना एरिया होगा सब यूज़ होगा, देखो। अब आते हैं इधर जो ग्रिड बनाना है उसको, हो गया यहाँ तक काम, अब आते हैं ग्रिड में। तो ग्रिड मतलब ये प्रोडक्ट्स नाम है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे बॉक्स नाम का एक छोटा डब्बा बना लेना, जिसके अंदर में पहला चीज़ क्या होगा, फ़ोटो होगा प्रोडक्ट का इमेज मतलब, और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, तो एक एच एक और ग्रुप होगा, इसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का क्लास रख लिया, और उसके अंदर एच टू में प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट टाइटल, और उसके नीचे उसका प्राइस, आइए प्रोडक्ट टाइटल मान लीजिए जो भी प्राइस है, ठीक है। और जिसमें नहीं बेचते हैं वो प्राइस कटा हुआ नजर आना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। रुपी का सिंबल निकालने के लिए गूगल पे सर्च करो रुपी सिंबल, और कहीं ना कहीं ऐसा फ़ोटो मिल जाएगा रुपी का, उसको कॉपी पेस्ट कर लो, देखो। तो ये रुपी का सिंबल है जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के तौर पर, कॉपी कर लो सिंपली, और जहाँ RS लिखे हैं उसके जगह पर डाल दो पेस्ट, ठीक है।
ये हो गया आउटपुट, देखो इसका रुपी का सिंबल आ रहा है। अब इसका जो इमेज है प्रोडक्ट इमेज वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं मोबाइल फोन इसका थोड़ा सा वो निकाल लेते हैं इमेज। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन का जो फ़ोटो है, रिव्यू नहीं चाहिए मोबाइल फ़ोन, तो अभी जो फ़ोन का जो फ़ोटो है यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है। मान लो ये फ़ोटो है, ठीक है, तो हम इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि मेरे कंप्यूटर में ये स्टोर हो जाए। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये साइज़ भी सही है इसका। डेस्कटॉप पे इसका फोल्डर का नाम है ई शॉप, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इमेजेस नाम से, बना लिया। और उस इमेजेस फोल्डर के अंदर में ये प्रो वन नाम से सेव कर लेते हैं, प्रो मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। और भी प्रोडक्ट का फ़ोटो चाहिए होगा लेकिन अभी नहीं, ये देखो। अब क्या केस है कि हम लोग यहाँ पे उसको इमेजेस स्लैश प्रो वन में ले लेना, इससे आ गया यहाँ पे इमेज, देखो तुम्हारे सामने इमेज दिख रहा है। और इसका एक क्लास देके या इसको कंट्रोल करेंगे सीएसएस से, तो तुमको फ़ोटो भी दिख रहा है, फ़ोटो का नाम वगैरह दिख रहा है, लेकिन हमको इसका क्रीज वगैरह सिस्टम को सही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका नाम बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो IMG टैग है उसका विथ 100% करना, हाइट ऑटो करना है। विथ 100% कर दिया, हाइट ऑटो कर दिया, लेकिन हम प्रोडक्ट के बारे में भी काम शुरू नहीं किया। ये है मेरा प्रोडक्ट CSS और यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, बताओ क्या लिखेंगे, ग्रीड, और लिखेंगे उसके बाद ग्रीड डैश। अब हम लोग लिखेंगे ग्रीड डैश कॉलम टेम्पलेट डैश कॉलम। अब पहला जो हमको ध्यान रखना है कि तीन तीन रखना है एक साथ, तो तीन के लिए है यहाँ पे लगभग 30% लेना है, राइट 25% लेते हैं कम से कम, 25 या 75 होता है ना, तो 25 25 25 बाकी गैप डाल देंगे। देखो छोटा हो गया प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे तीन बार लिखने का मतलब तुमको पता है अच्छे से, और तीनों का नाम लिख सकते हो आराम से रो और कॉलम वाइज। और जो ग्रीड का जो रो होगा वो डिस्कस नहीं करते अभी, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसे पता चला कि एक बॉक्स तो हो गया मेरा काम कंप्लीट, अब हम बॉक्स का CSS कर सकते हैं। तो डॉट बॉक्स नाम का एक CSS जिसका खुद का बैकग्राउंड कलर और मार्जिन बॉटम बॉर्डर रेडियस और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अब आते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल, तो ये अपने एरिया को छोड़ देगा अंदर की तरफ आ जाएगा, और इसको रिपीट करना पड़ेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना बॉक्स है। तो रिपीट कराने के से पहले एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट का बॉक्स है, बॉक्स में बैकग्राउंड तो आ रहा है बट यहाँ बॉक्स का बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है, तो हम अच्छा बैकग्राउंड लगा ही नहीं थे, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाइट। देखो तो जो तुम देख रहे हो ये एरिया यहाँ तक आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, बट इसका कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ अलाइन, सेल्फ अलाइन, अलाइन सेल्फ सॉरी, और अलाइन सेल्फ स्टार्ट। देखो जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे ठीक आ रहा है, फिट आ रहा है। और इसमें थोड़ा सा पैडिंग 10 20 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सल, देखो 10 पिक्सल का पैडिंग, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस अच्छा ये 5 पिक्सल है, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस 10। अब पता कैसे लगेगा कि हाँ अच्छा से काम कर रहा है, तो बॉक्स शेडो लगा के देख सकते हैं। बॉक्स शेडो हो गया 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, और थोड़ा ग्रे कलर, देखो पीछे थोड़ा सा शेडो आ रहा है हल्का सा, और हम ज़्यादा नहीं दिया, हल्का सा ही दिया, ठीक है। तुम चाहो तो इसका कलर को डार्क करो तो अच्छा से दिखने लगेगा, फिर देखो हम डार्क किया तो ये ज़्यादा ऊपर क्या आ रहा है, तो हम शेडो लगा दिया। एक छोटा सा बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड, और वही कलर देखो, ये देखो ये एक प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर H2 वगैरह है, तो उसका नाम क्या था, प्रोडक्ट डिटेल्स, डिटेल्स, और उसके अंदर में आपस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करते हैं। तो इसके अंदर जो H2 लगा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल के अंदर में, उसका CSS चेंज करते हैं। H2 का जो CSS है उसका फॉन्ट साइज छोटा करो, फॉन्ट साइज कितना करना है, तो 12 पिक्सल, देखो काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, 12 की जगह पे 18 लगाओ, ठीक है। और थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ले लो, ज़्यादा नहीं, 5 10 पिक्सल से ज़्यादा, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट का नाम, और ये है प्रोडक्ट का प्राइस। तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे दिखा रहे हैं वो देखते हैं H3 में, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं। तो प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर जो H3 टैग है उसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, थोड़ा छोटा, 10 काफ़ी छोटा हो गया, 12 पिक्सल, 14 पिक्सल, अब इनफ है, अब नहीं देंगे। देख ये पहले करना चाहते हो तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि H2 को नीचे कर दो और
प्राइस के ऊपर कर दो। तो प्रोडक्ट का जो इमेज है उसका सही नाम रखते हैं, कुछ समझ में आएगा। सैमसंग J7 प्लस, ये इसका नाम हो गया। प्राइस जो है वो हम रखते हैं 4500, और जो बिकता था वो 6000 में बिकता था मान लो। तो ये हो गया, जो बिकता था उसका कलर थोड़ा सा डिम होना चाहिए, मतलब ग्रे होना चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो H2 है उसके अंदर जो डेल टैग है उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर यानी कलर, एक मिनट, कलर ग्रे हो, ग्रे मतलब DDD। तो ये थोड़ा सा कम दिखना चाहिए, डिम दिखना चाहिए, S2 के अंदर जल नहीं, सॉरी S3 के अंदर जल रहा, इसलिए देखो ये ग्रे हो गया। तो ग्रे हो गया तो थोड़ा सा और डार्क की तरफ ले जाते, इतना भी ग्रे हो गया कि दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। देखो दिख रहा है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसका। और फॉन्ट साइज़ का मामला इसमें डाल देते हैं कि तुम्हारा फॉन्ट साइज इतना होगा लेकिन जो ये होगा इसका 16 कर दो। तो क्या हुआ कि ये छोटा ही रह जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, और 18 कर दो, सही है। देखो अब थोड़ा सा गैप, मार्जिन बॉटम लगाए थे हम, अच्छा मार्जिन टॉप लगाना पड़ेगा, पलट दिए थे हम ऊपर, देखो तो मार्जिन टॉप 10 नहीं तो 5 तो कर देना ही पड़ेगा, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, तो ये छोटा सा एकदम डब्बा जो आपको दिख रहा है ये मेरा एक ग्रीड है, जिसको बड़ा करने पे बड़ा भी होता है, छोटा रखने पे छोटा भी हो रहता है, ठीक है। इतना छोटा नहीं करेंगे डिस्टर्ब भी हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं जैसे हम अभी दिखा रहे थे आपको वैसे ही। अब प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक डिज़ाइन हो चुका है, और ऐसे कितना भी प्रोडक्ट बना लें हम, और देखने में मज़ा आना चाहिए। देखो ये देखो गड़बड़ा, 3 तो कॉलम तो आ गया लेकिन साइज़ तो फिट नहीं हुआ। तो आते हैं यहाँ पे 3 कॉलम में जो 25 रखे थे, 25 25 25, अब उसको 30 30 30 करते हैं, 30 30 और 30 30 या 90। और जो गैप कंसीडर करना था वो कर भी नहीं किया अभी तक, गैप बचा मेरे पास 10, तो गैप 3% देने से हो जाएगा काम। 3 3 9 99 हो गया, 3.2 1 3.4 5 9 12। थोड़ा पैडिंग भी तो लास्ट में लगा ही हुआ है, अब ये यहाँ पर देखो, ठीक है परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये 3 यहाँ पे भी दिख रहा है छोटा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो भी ठीक लग रहा है। तो हम लोग इसको प्रॉपर फिट कर पाए, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है ये, तो तुम यहाँ पर और एक ठो बना सकते हो कॉलम 4 4 का। तो ध्यान रखें 3 लगाने के बाद नुकसान क्या होगा कि ऐसे अगर बाहर जाएगा तो अब आपको परसेंटेज कम करना पड़ेगा, मतलब अपने 25 24 के आसपास आना पड़ेगा, 24 24 24। देखिए अभी भी थोड़ा सा बाहर है क्योंकि गैप भी है, तो उसका ध्यान नहीं रखा हम। 22 22 22 देखो फिट हुआ, थोड़ा सा अलाइनमेंट आपको मोबाइल छोटा में तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ऐसा अच्छा लगेगा। देखो वेबसाइट जो हम लोगों ने आउटलाइन में डिज़ाइन किया था पॉइंट पेंट पे, ये था, और हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया 34 मिनट में, और 34 मिनट में ये वाला डिज़ाइन इसमें बदल गया, ठीक है। तो सच वाला साकल तुम लोग के पास है, तुम लोग भी बना सकते हो। और इसमें एक लाइन भी हम लोग ऐसा CSS इस्तेमाल नहीं किए हैं जो हम आपको नहीं बताया, सिंगल लाइन भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा एग्जांपल आप कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय।